अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अंशुमन जी, आपने हमारे एप्लीकेशन पर बिना किसी ऑब्जेक्शन साइन कर दिया। क्योंकि मैंने सात फेरों के साथ तुम्हें वचन दिया था कि मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारा साथ दूंगा। और मैं जानता हूं सुमन कि तुमने ये फैसला क्यों लिया है, ताकि इस परिवार को इसकी प्रतिष्ठा वापस मिल सके, राय बहादुर खानदान को कोई सवालिया नजरों से ना देखे। लेकिन तुम जानती हो सुमन, तुमने जलते हुए अंगारों पर कदम रख दिया है। तुमने अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया है सुमन। हमारा प्यार, हमारा रिश्ता चलते हुए अंगारों में दहकने के लिए छोड़ दिया। ऐसा क्यों किया सुमन, क्यों किया तुमने ऐसा? अंशुमन जी, आप तो सारी सच्चाई जानते हैं, फिर आपको इस स्कीम का मतलब भी पता होगा। तुमने ये सब नंदन को सही रास्ते पर लाने के लिए किया है ना? जानती हो सुमन, मेरा छोटा भाई नंदन खाई में जरूर गिरा था, लेकिन जो लौट कर आया वो नंदन ही, उसकी काली छाया थी। सुमन, एक ऐसी काली छाया जिसमें तुम रंग भरना चाहती हो, जो कि संभव नहीं है। नंदन अब बहुत दूर निकल चुका है सुमन, और उसका वापस लौटना नामुमकिन है। अंशुमन जी, रिश्तों के बीच के फासले इतने बड़े नहीं होते कि उन्हें मिटाया नहीं जा सकता। आपको पता है नाना जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हम मिट्टी से देवता भी बना सकते हैं और दानव भी। हम इंसान भी तो मिट्टी के ही बने होते हैं ना। और सुरभिमा ने नंदन को बहुत लाड प्यार से बनाया है। उसकी सूरत बिगड़ सकती है, लेकिन सीरत कभी नहीं। नंदन सुरभिमा की परवरिश है अंशुमन जी। लेकिन मुझे डर है सुमन कि कहीं तुम नंदन को सही रास्ते पर लाने में फेल ना हो जाओ। नहीं अंशुमन जी, हमने आपके नाम का मंगलसूत्र पहना है, अपने माथे पर आपके नाम का सिंदूर लगाया है। आप हमेशा हमारे साथ साए की तरह है। अगर फिर भी हम फेल हो गए तो हम खुद चिता पर लेट जाएंगे। हम आपसे दूर कभी नहीं रह सकते अंशुमन जी, कभी नहीं। मैं तुम्हारे रास्ते की हर मुश्किल दूर करने में तुम्हारे साथ हूं हमेशा। हम जानते हैं। नंदिनी, क्या बकवास कर रही हो तुम? बेटा नंदिनी, बेटा शांत हो जाओ और चिंता मत करो, हम बात करेंगे शिखर के साथ। ऐसे कैसे? क्या हुआ? क्या बात है नंदिनी? भाई भाई क्या बात है, बताइए नंदिनी, क्या बात है? कोई बताएगा हमें? क्या हो गया? अरे कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा? अरे जो कुछ भी हुआ है उसका कारण तुम ही तो हो। ऐसा कभी हुआ है कि घर में जो भी कांड हुआ हो उसका कारण तुम ना रही हो? पूछो ना नंदिनी से, अब उसका जिंदगी कहाँ पे लगा है? पूछो पूछो। नंदिनी क्या बात है? मुझसे नहीं, अपने भाई से पूछ। तेरे फैसले के बाद अब ये मुझसे अलग होना चाहता है। भाई हम क्या सुन रहे हैं? हमें पूरी बात बताइए। सुमन, मुझे तुम्हारे फैसले से ना ही कोई दिक्कत है और ना ही इनकार। मुझे मालूम है तुमने जो भी फैसला लिया होगा बहुत सोच समझ कर लिया होगा, लेकिन इस फैसले के बाद तुम इस घर में नहीं रहोगी। और हाँ, अगर तुम मेरे साथ सुल्तानगंज नहीं गई ना, तो नंदिनी को भी मुझसे अलग होना पड़ेगा। नहीं, हमें ये मंजूर नहीं है। भाई आप क्या बोल रहे हो? आप ऐसा कह भी कैसे सकते हैं? तो क्या कहूँ सुमन? हाँ,
तुम्हें यहाँ ऐसी सिचुएशन में नहीं छोड़ सकता। भाई, हमारा और अंशुमन जी का रिश्ता टूटने की वजह कुछ और है। इसमें आप दोनों के रिश्ते का तो कोई लेना देना ही नहीं है। फिर आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं कि आप नंदिनी के साथ अपना रिश्ता खत्म कर देंगे? भाई जरा देखिए इस घर को, इस घर से अनमोल रिश्ते जुड़े हैं हमारे, हमारी सांसें जुड़ी हैं इस घर से। इस घर में आपकी सुमन को इतना प्यार मिला, आप ऐसे नहीं समझेंगे। आइए देखिए पापा को, इतना सब होने के बाद भी पापा का हम पर अटूट विश्वास है। इन्होंने तो कुछ ऐसा नहीं किया, हमें कुछ नहीं बोला। दादाजी, इतना सब कुछ होने के बाद भी इनके मन में बस यही चल रहा है कि सब ठीक हो जाएगा। इनके मन में एक उम्मीद है। और भाई, आप तो अच्छे से जानते हैं हमारी सभी माँ की स्थिति में, और आपने इस समय ऐसी बात कह दी। माफी मांगिए नंदिनी से। भाई हमने कहा माफी मांगिए, ऐसे माफी मांगने से माफी मिल जाएगी क्या? प्यार करने का दावा करता है, ये इसका प्यार? अपनी बहन की गृहस्थी बचाने के लिए बिना सोचे समझे एक पल में अलग होने की बात कह दी? नहीं, कोई माफी नहीं मिलेगी। नंदिनी, नंदिनी, सुमन बेटा, राम जी के बिना सीता मैया की पूजा की जाए ये तो कभी हो नहीं सकता। आओ पहले पूजा की विधि आरंभ करें। राम जी की प्रतिमा मैं बनाऊंगा। इस पूजा में हमारी छुटकी बहू शामिल हो सकती, वो सारी चीजें अपनी देखरेख में कर रही होती, किसी बात की कोई कमी नहीं रहने देती, पूजा की शोभा और बढ़ जाती।